सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं आपका दोस्त फिर से हाजिर है एक और नई जर्नी के साथ। और दोस्तों आज हम जर्नी शुरू करने जा रहे हैं थोड़ा बिहार के अंदर से। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, थोड़ा बिहार के अंदर से। और अभी हम लोग हैं मिथिलांचल की शान दरभंगा पे, और ये हमारी ट्रेन पीछे खड़ी हुई बिहार संपर्क क्रांति मिथिलांचल राजधानी एक्सप्रेस, मिथिलांचल की राजधानी एक्सप्रेस, जो कि राजधानी से कम नहीं है यहाँ के लोगों के लिए, और सबसे फेमस ट्रेन है दरभंगा से दिल्ली के बीच की। और ये जो जर्नी हमारी है, ये हमारी जर्नी शुरू होगी 8:26 पे, और हम ये जर्नी कवर करेंगे 20:55 में। और जो डिस्टेंस होगा इसका वो होगा 1174 किलोमीटर का। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग इस रूट को कवर करेंगे समस्तीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर होते हुए हाजीपुर सोनपुर, उसके बाद फिर अपना छपरा सिवान गोरखपुर होते हुए हम लोग लखनऊ के एलबाग पहुँचेंगे, उसके बाद कानपुर होते हुए हम लोग सुबह 5 बजे बाद दिल्ली की जर्नी ख़त्म होगी। तो चलिए देखते हैं इस मिथिलांचल राजधानी में सफ़र कैसा रहता है। बहुत फेमस गाड़ी है और बहुत भीड़ रहती है इसके अंदर। और दोस्तों इस ट्रेन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 31 मार्च 2005 को। तो चलिए देखते हैं 16 साल बाद इस ट्रेन में सफ़र कैसा रहता है, 16 साल बाद इस ट्रेन की जो सर्विस है वो कैसी है। और अभी फिलहाल मैं दरभंगा पे हूँ, क्योंकि मिथिला पेंटिंग के लिए बहुत फेमस है। और दरभंगा स्टेशन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1874 में। यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म की और यहाँ से लाइन सौर के लिए, गोरखपुर के लिए, बरौनी के लिए और जयनगर के लिए डिवीज़न है वो है समस्तीपुर। और यहाँ का जो वो है जोन है वो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो चलिए जल्दी से, ये खड़ी ट्रेन हमारे पीछे 15 मिनट बचे ट्रेन खुलने के लिए। चलिए जर्नी शुरू करते हैं 8:26 पे, और फिर मिलते हैं आपसे समस्तीपुर पे। जहाँ जहाँ स्टॉप थोड़ा ज़्यादा होगा, 5-10 मिनट का स्टॉप होगा, मैं वहाँ मिल जाऊँगा आप लोगों को। और जहाँ 2 मिनट का स्टॉप होगा वहाँ मिलना मुश्किल होता है दोस्तों, क्योंकि उतरने चढ़ने में टाइम निकल जाता है। चलिए बनी रही मेरे साथ, मिलते हैं फिर आगे। अरे उन्ना नहीं हो, यह सब है, यह है, यह ही सब। टाइम हो गया खुल गया दोस्तों, इसलिए यहाँ पे बिहार की ट्रेनें जब भी होंगी ना, जब भी गुटखा खाने वाले लोग होंगे इसमें थूकते हैं और ये जाम हो जाता है। ये अब देखिए धीरे धीरे भरेगा पानी, पूरे कोस्ट में फैलेगा, इससे लोग समझते नहीं है, इसी के अंदर थूकते आकर के। दोस्तों कोविड के टाइम में क्या हाल है कि बिहार संपर्क क्रांति के हाल है कि लोग गेट पर सो रहे हैं ट्रेन के सीट ना होने की वजह से। ये हाल है कोविड के टाइम में। अगर नॉर्मल टाइम में ट्रेन चलेगी ये तो क्या हाल होगा इसका। दोस्तों हम लोग अब आ गए हैं अपने कोच के अंदर, और अभी ट्रेन खुलने में करीब 45 मिनट्स हैं। मैं बिफोर आ गए तो होटल बगल में था मेरा, तो ये है मेरा कोच और ये है मेरी सीट साइड अपर, तो इसी पे अपनी जर्नी होगी। दिन में यहाँ बैठेंगे, रात में यहाँ रहेंगे। और ये है कोच का इंटीरियर, 2019 का मेड कोच है। तो चलिए अब सीधा मिलूंगा आप लोगों को ट्रेन के डिपार्चर के साथ, क्योंकि सारी चीज़ें बता दी है कुछ बचा नहीं बताने के लिए। तो सीधा से डिपार्चर लेते हैं और फिर आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और जर्नी पूरी देखिएगा दोस्तों, बताइए जरूर जर्नी कैसी लगी आप लोगों को। चलिए फिर मिलते हैं आगे। दोस्तों ये जो स्टेशन है फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड स्टेशन है, और स्टेशन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1875 में। 2005-06 के अंदर ये जो जिस रूट से ट्रेन निकलती है पूरा रूट इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया था। दोस्तों यहाँ से जो रूट निकलता है वो निकलता है अपना बरौनी के लिए, गोरखपुर के लिए, रक्सौल के लिए और जयनगर के लिए। तो चलिए दोस्तों थोड़ी देर में आज 15-20 मिनट ट्रेन निकलने वाली है हमारी, ट्रेन डिपार्चर लेते हैं, फिर मिलते हैं आगे। सो दोस्तों हमारी ट्रेन के अंदर जो कोच पोजीशन है इसका, जो इसमें कोच लगे हुए हैं, इसके अंदर जो लगे हुए हैं इंजन के बाद, इसके अंदर अपना
कि वो तीन जनरल कोच हैं, उसके बाद तीन जन के बाद तीन जनरल कोच हैं, और उसके बाद जनरल कोच के बाद 10 स्लीपर कोच हैं अपने, एक पेंट्री कार है और 3 AC3 के कोच हैं, 2 अपने AC2 के कोच है और AC1 का कोच है इसके अंदर। तो और स्क्रीन का जो नंबर है वो है 02565 बिहार संपर्क क्रांति मिथिलांचल की राजधानी। तो चलिए डिपार्चर होने वाला है, मिलते हैं फिर आगे, और बने रहिए दोस्तों, जर्नी पूरी देखिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोगों से। तो चलिए दोस्तों, हमारी जर्नी की शुरुआत हो चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अपने शेड्यूल टाइम पे निकलते हुए बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दरभंगा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकल रही है। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस तो ये है दरभंगा नई दिल्ली दरभंगा हम सफर क्लोन स्पेशल। कानपुर के वेब सेवन कहीं मिल जाते हैं, एक कानपुर वेब सेवन और वो है गोमो वेब सेवन। दोस्तों हम लोग हमारे सेकंड स्टॉप समस्तीपुर जंक्शन पर हम लोग पहुँच चुके हैं अपने शेड्यूल टाइम पे, और यहाँ से यहाँ पे जो इसका है आधे घंटे का हॉल्ट होगा, क्योंकि यहाँ से इसका रिवर्सल होगा, इंजन दूसरी तरफ लगेगा और हम लोग उस तरफ वापस जाएंगे, दूसरे हाइट की तरफ मुजफ्फरपुर निकल जाएंगे यहाँ से। दोस्तों यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म की संख्या है वो है 7, और जो कोड है वो है SPJ। 2005 में इस रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया था, दरभंगा से लेकर समस्तीपुर तक पूरा सिंगल लाइन इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है, और यहाँ ये जो स्टेशन अपना समस्तीपुर जो स्टेशन का डिवीजन है वो है समस्तीपुर जो जोन है वो है इस सेंट्रल रेलवे। यहाँ से दोस्तों डेली करीब 25,000 से ऊपर लोग ट्रैवल करते हैं, और यहाँ से जो रूट निकलता है वो निकलता है अपना रक्सौल के लिए, गोरखपुर के लिए, जयनगर के लिए, बरौनी के लिए, मुजफ्फरपुर के लिए, हाजीपुर के लिए और अपना छपरा के लिए। तो चलिए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आधे घंटा यहाँ पे टाइम है रुकने का, अभी हमारा इंजन रिवर्सल होगा इसका, उसके बाद हम निकल जाएंगे हाजीपुर मुजफ्फरपुर की तरफ। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर आगे, और जाइएगा नहीं कहीं।
अरे उन्ना नहीं हो यह सब है यह है यह सब ना बहुत डरा हूँ ये क्या नहीं पे हमारे बेकार बोले तो कुल कल कल उन्नो का नहीं तो यार कहाँ पे बोली थी वहीं पर एक तो दोस्तों समस्तीपुर से हमारा हो चुका है डिपार्चर में शेड्यूल टाइम से 5 मिनट लेट है दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो कानपुर का वेब 7 खड़ा हुआ था वही लगाया गया हमारे ट्रेन के अंदर, मुझे थोड़ा सा आइडिया लग रहा था और वो आइडिया सही रहा। जो इंजन दरभंगा से लेके आता है उसको वापस नहीं लगाया जाता आगे ला करके, समस्तीपुर में इंजन पहले से खड़ा रहता है उसको लगाया जाता है हमारे कोच में, उनको दरभंगा से लेके आता है ट्रेन को समस्तीपुर तक, वो समस्तीपुर में ही रह जाता है। दोस्तों वो जो लाइन देख रहे हैं आप लोग सामने, वो जो लाइन बोल रही है उस तरफ, वो जो चाहिए दरभंगा की तरफ जहाँ से हम लोग आए थे अभी, इस टाइम से हम लोग आए थे अभी यहाँ से, और हम लोग वापस इस तरफ पहुँच रहे हैं इस तरफ, यहाँ से हमारा रिवर्सल ऑप्शन से वहाँ से हम लोग घूम के आए और यहाँ से हम लोग वापस आ रहे हैं मुजफ्फरपुर की तरफ। समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर तक पूरा सिंगल लाइन दोस्तों हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं बाघ एक्सप्रेस को। समस्तीपुर का WDG3 है, कंटिंग हो रही है किसी ट्रेन की, सब क्रांति के पास की कंटिंग हो रही है ये दोस्तों, मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के बीच चलती है। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन अपने शेड्यूल टाइम से 15 मिनट डिले, और यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म की संख्या दोस्तों वो है 7, और उसका जो कोड है वो है MFP, उसका जो डिवीज़न है दोस्तों वो है सोनपुर, और उसका जो जोन है वो ईस्ट सेंट्रल रेलवे। यहाँ से जो ट्रेनें निकलती है दोस्तों, यहाँ से जो लाइनें निकलती है दोस्तों वो है अपना दरभंगा के लिए, समस्तीपुर के लिए, रक्सौल के लिए, बरौनी के लिए, गोरखपुर के लिए, सीतामढ़ी के लिए, हाजीपुर के लिए। दोस्तों यहाँ पे हमारा है 5 मिनट का हॉल्ट, हमें लगाया गया प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, तो चलिए अब चलते हैं वापस ट्रेन के अंदर, क्योंकि भीड़ बहुत होती है ट्रेन के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे तो दोस्तों अभी मैं जर्नी कर रहा था दरभंगा से लेकर के नई दिल्ली के बीच में, और मुजफ्फरपुर पे RPF से मेरा हो गया है झगड़ा अच्छा वाला, इन लोगों पे छोटी पोस्ट के लोग हैं, इन लोगों को पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है लोगों को कि वीडियोग्राफी जो है लीगल करनी गई है चलती ट्रेन में। अगर आप जर्नी कर रहे हैं तो आपका वैलिड टिकट होना चाहिए, और आप स्मॉल कैमरा या मोबाइल से आप वीडियो बना सकते हैं, लेकिन ये हवलदार कॉन्स्टेबल जो पोस्ट के लोग हैं, इन लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि वीडियो बनाना लीगल हो चुका है,
ये लोग प्रमाण मांग रहे हैं, क्योंकि हमने इनको अपना वो भी दिखाया लेटर, जो लेटर मिला है रेलवे से, ये लोग वो भी देखने को तैयार नहीं है, अपना ही मर्जी चला रहे हैं कि नहीं यहाँ पे मना है बिल्कुल भी। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं इन लोगों के झगड़े के चक्कर में आप लोगों को मुजफ्फरपुर का डिपार्चर नहीं दिखा पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ हम लोगों से। अगला स्टेशन हमारा होगा हाजीपुर, उस पर देखते हैं क्या होता है, वहाँ पे आरपीएफ तंग करती है, तकती देखते हैं। लेकिन इन लोगों का अगर कोई नॉलेज दी जाती है तो हमें नॉलेज लेने को तैयार नहीं होते। इन छोटे पुष्ट लोगों को कोई कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी वैलिड हो चुका है। चलिए फिलहाल जो भी है, इन लोगों में कुछ मूवी लगना चाहता फिलहाल फालतू में, क्योंकि मेरी पूरी जर्नी ख़राब हो जाएगी कि आप लोगों को पूरी जर्नी दिखानी मुझे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको मैं मुजफ्फरपुर शहर दिखाता हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो डिपार्चर दिखा नहीं पाया मैं आप लोगों को, थोड़ा सा झगड़ा हो गया मेरा इसलिए। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे, बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों अभी मुजफ्फरपुर शहर में उतर रहे हैं, इन लोगों से पूछने मेरी बहस हुई, और बिहार के जो आरपीएफ है इतने बेकार है, इतने बदतमीज लोग हैं ये लोग। मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं उनको अपना लेटर भी दिखा रहा हूँ, रेलवे की तरफ से लेटर मिला हुआ है, मैंने उनको अपना यूट्यूब चैनल भी दिखाया कि मेरा चैनल है। लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं, तुम आतंकवादी हो, तो आतंकवादी के पास वीडियो भेजोगे, मतलब बताओ, मतलब कुछ भी बोलेंगे आदमी बर्दाश्त कर लेगा क्या। मैं वीडियो बनाना तो छोड़ूंगा नहीं, वीडियो तो बनाऊँगा मैं भी, और देखना फिर क्या करता हूँ लोगों का। मैं अगर फिर से कुछ बोलेगा तो बाहर टका दूँगा लोगों की, मैं जानते नहीं वो लोग अभी किससे पंगा ले रहे हैं। तो देखते हैं चलो अभी जर्नी में क्या क्या होता है, बताता हूँ आप लोगों को। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं हाजीपुर जंक्शन, हाजीपुर जंक्शन पे दोस्तों प्लेटफॉर्म संख्या जो है वो है 5, और हम लोग अपने शेड्यूल टाइम पे पहुंचे हैं। यहाँ पे जो कोड है वो है HJP, और दोस्तों ये पड़ता है अपना बिहार के अंदर। अभी हम लोग निकलेंगे गंडक नदी को पार करके पहुँचेंगे उसके बाद सोनपुर जंक्शन। दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ से गाड़ी निकलती है वो निकलती है पटना के लिए, सोनपुर के लिए, मुजफ्फरपुर के लिए, समस्तीपुर के लिए, और मुरानी के लिए, गोरखपुर के लिए। तो दोस्तों चलिए बने रहिए मेरे साथ, मिलता हूँ फिर आगे मैं आपको दूसरे सोनपुर पे गंडक नदी पार करने के बाद। जाइएगा नहीं कहीं, बने रहिएगा मेरे साथ, और वेट कर रहा हूँ मैं कि आरपीएफ दोबारा आए और दोबारा सामने आऊँ, फिर मैं लोगों को बताऊँगा। चलिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर आगे। दोस्तों मैं आप लोगों को चीज़ बताना भूल गया था, अपना हाजीपुर स्टेशन है ये पड़ता है अपना सोनपुर डिवीज़न के अंदर, जोन है ईस्ट सेंट्रल रेलवे। स्टेशन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1862 में, अपनी इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था 2013 से 2016 के बीच में। चलिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर आगे, किसी दिन में ट्रेन खुलने वाली है। दोस्तों हमारा डिपार्चर हो चुका है हाजीपुर जंक्शन से, और थोड़ी देर में गंडक नदी पार करके हम पहुँचेंगे सोनपुर जंक्शन। इन दोनों स्टेशन के बीच में कोई भी हॉल्ट नहीं है। ए ठंडा मजा पानी बोतल मैंगो जूस बाजार में ठंडा पानी मतलब कहाँ से आए।
गंडक नदी, गंडक दोस्तों ये है गंडक नदी। पानी से लबालब भरी हुई है। दोस्तों हम लोग कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं सोनपुर जंक्शन, यहाँ पे हमारा सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, इसलिए मैं आप लोगों को मिलूंगा नहीं। सोनपुर जंक्शन, सोनपुर दोस्तों अपना पड़ता है बिहार के अंदर, इसका स्टेशन कोड है वो है STE। तो डिवीजन है वो है सोनपुर से सेंट्रल रेलवे, यहाँ प्लेटफॉर्म की संख्या जो है वो है 4। यहाँ लाइन निकलती है वो निकलती है बुलौनी के लिए, गोरखपुर के लिए, रक्सौल के लिए, मुजफ्फरपुर के लिए और अपना सीतामढ़ी के लिए और अपना समस्तीपुर के लिए। चलिए प्लेटफॉर्म का अराइवल देखते हैं। प्लेटफॉर्म, तो दोस्तों हम लोग पहुंच रहे हैं अभी सोनपुर जंक्शन, और सोनपुर जंक्शन के अराइवल के साथ ही हम अपनी जर्नी का पहले पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों जर्नी ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोगों को देखने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जर्नी 2 पार्ट में आएगी। पहला पार्ट सोनपुर जंक्शन के अराइवल तक ख़त्म हो जाएगा और जो अगला पार्ट होगा दिल्ली जर्नी नई दिल्ली तक आपको दिखाई जाएगी। तो चलिए इसका अराइवल दीजिए, अराइवल देखिए और जर्नी का पहला पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों चलिए फिर दूसरे पार्ट में दोबारा मिलेंगे, वो आएगा 1 दिन के बाद। चलिए मिलते हैं फिर आगे।